दबंगों ने गिराया निर्माणधीन बारात घर। जिला सीतापुर के विकास खंड हर गांव की ग्राम पंचायत देईरामा में प्रधान के द्वारा निर्माण कराए जा रहे बारात घर को कुछ दबंगों ने मिलकर उसी की सभी दीवारों को गिरा दिया तथा वहां पर रखी हुई निर्माण के लिए सामग्री तथा अन्य सामान भी उठा के ले गए। ग्रामीणों के मुताबिक दबंग बारात घर वाली जमीन को अपनी निजी संपत्ति बता रहे हैं, जबकि इस जमीन पर बारात घर का निर्माण लहरपुर तहसील प्रशासन द्वारा जगह को पूरी तरह से वेरिफिकेशन करने के बाद निर्माण के आदेश दिए गए थे। सीतापुर से एनके विश्वकर्मा की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। सीतापुर के विकास खंड हर गांव की ग्राम पंचायत देईरामा में मौजूद हैं। तस्वीरों में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ ये कुछ लोग यहाँ ग्रामवासी मौजूद हैं और आपसे हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग गिरी हुई पड़ी हुई है। ये अभी नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी जिसके ईंटे वगैरह पड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत के निवासियों और ग्राम प्रधान के मुताबिक यह गांव के अंदर बारात घर बनवाया जा रहा था, जिससे कि ग्रामीणों को शादी ब्याह करने में आसानी हो जाए और ऐसे कोई मीटिंग वगैरह या कुछ भी किया जाए, तो जिसके लिए इन गाँव ग्रामवासियों को इसके बनने से एक बहुत ही अच्छी सुविधा मिल सकती थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ईंटें गिरी हुई पड़ी हुई हैं, इन लोगों के मुताबिक कुछ गांव के ही अराजक तत्व व कह सकते हैं दबंग प्रकार के लोगों के द्वारा इसे गिरा दिया गया है और यहां पे जो सामान रखा हुआ था वो भी वो लोग अवैध रूप से उठाकर ले गए हैं, जिसकी जानकारी हमें यहां पे कुछ मौजूद ये ग्रामवासी हैं जिन्होंने इस चीज़ का अपने आँखों से पूरी घटनाक्रम को देखा है। तो इन लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर क्या था और किस प्रकार से ये किया गया। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद अफजल जी। क्या आपने ये देखा, ये कैसे गिराया गया ये सब? जी हमने अपनी आँखों से देखा है। ले और जुम्मन थे, उनका लड़का राजू था, अब्दुल सलाम थे, भूपाल थे, ओम प्रकाश थे, राम सिंह थे और सुरदीश थे, सब मिलकर इन्होंने गिराया। और मंगू थे, ठीक है, और इस्माइलपुर के कल्लू थे। अच्छा, जिन लोगों के आपने नाम लिए ये यहीं के निवासी हैं क्या? नहीं, वो सब यहीं के निवासी, एक लोग खाली इस्माइलपुर का रहने वाला है जी। जो इस्माइलपुर के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत उनकी यही है या फिर बदली हुई है? बदली हुई है। अच्छा, तो क्या आप बता सकते हैं उन्होंने या क्यों गिराया है, क्या कारण रहा है इसका कुछ? वो कह रहे थे कि हमारी जगह, ये जगह ग्राम पंचायत की है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत की जगह है। इसके जो कागज वगैरह हैं ग्राम पंचायत के, क्या ग्राम प्रधान के पास मौजूद हैं? जी मौजूद हैं। अच्छा, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि इन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा है और इस तरह से अगर रहा तो हमारे देश के अंदर कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। कैमरा पर्सन अजीत जायसवाल के साथ